नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल डेली न्यूज अपडेट में। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने भारतीय उपभोक्ता बाजार में एक ऐसे ब्रांड को पेश किया जो भारत समेत दुनिया के कई देशों में ग्राहकों को अपना दीवाना बना लिया। सबसे ज्यादा बिकने वाले इस उत्पाद के CEO को शायद ही किसी ने किसी मैगजीन कवर पर देखा हो, लेकिन वह देश के लोगों के लिए आज एक जाना पहचाना चेहरा है। मसालों के शहंशाह महाशय धर्मपाल गुलाटी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा लिए धर्मपाल सिर्फ 5वीं तक पढ़े हैं। 1947 में देश विभाजन के समय इनका परिवार पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ गया और दिल्ली कैंट क्षेत्र में पूरे परिवार के साथ एक शरणार्थी कैंप में रहे। 650 रुपये में उन्होंने एक तांगा खरीदकर अपनी आजीविका शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्होंने तांगा बेचकर अपना पुश्तैनी मसालों का धंधा शुरू किया। दरअसल 1919 में पाकिस्तान के सियालकोट में इनके पिता चुन्नीलाल ने मसाले की एक छोटी सी दुकान खोली थी। उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस छोटी सी दुकान को 1500 करोड़ रुपए के साम्राज्य में तब्दील कर देगा। MDH अर्थात महाशिया दिहट्टी कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी? धर्मपाल ने दिल्ली के करोल बाग में एक छोटी सी दुकान से अपना पुश्तैनी मसालों का धंधा शुरू किया। अपने मसालों की गुणवत्ता पर खासा जोर देते हुए शुरुआत में उन्होंने मसाले की पिसाई से पैकेजिंग तक का काम अपने घर में करते थे। कम कीमत पर शुद्ध देसी मसाले मुहैया करा धर्मपाल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। धीरे धीरे बाजार में उनकी डिमांड बढ़ने लगी। फिर धर्मपाल ने छोटे छोटे वितरकों के साथ साझेदारी करते हुए अन्य शहरों में भी अपनी पैठ जमाना शुरू कर दिया। शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने अन्य शहरों में खुद की फैक्ट्रियां खोलना शुरू कर दिए और आज भारत में MDH की 15 फैक्ट्रियां चल रही हैं जो करीब 1000 डीलरों को मसाले सप्लाई करती हैं। इतना ही नहीं, MDH के दुबई और लंदन में भी ऑफिसेज हैं। आज कंपनी लगभग 100 देशों से एक्सपोर्ट करती है। धर्मपाल जी की उम्र 94 साल है, फिर भी वो फैक्ट्री, बाजार और डीलर्स का नियमित दौरा करते हैं। इस साल MDH ने रेवेन्यू में 15% की बढ़ोतरी के साथ 924 करोड़ का व्यापार किया, जिसमें कंपनी ने शुद्ध रूप से 213 करोड़ की कमाई की। गरीबों के कल्याण के लिए महाशय धर्मपाल अपनी सैलरी का 90% दान कर देते हैं। MDH के 60 से ज़्यादा उत्पाद हैं। इसके सबसे ज़्यादा बिकने वाले उत्पाद देसी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला हैं, जिनके करीब करीब हर महीने करोड़ों पैकेट बिक जाते हैं। धर्मपाल हमेशा ज़रूरतमंदों की सेवा में हाजिर रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कई स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण करवाया जहां गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं।